उत्तर प्रदेश में आज देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा शुरू हुई और इस भर्ती परीक्षा में लगभग आधा करोड़ अभ्यर्थी बैठेगा, आधा करोड़। 5 दिन तक चलनी है ये भर्ती परीक्षा और इसमें 60,244 पद हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के, सिपाही के, जिसके लिए परीक्षा हो रही है। ये मूलतः दोबारा हो रही है परीक्षा, इसके लिए मूल परीक्षा हुई थी इसी वर्ष फरवरी में, जब पर्चा लीक हो जाने के कारण वो परीक्षा निरस्त हुई और उसके बाद फिर अब ये परीक्षा करवाई जा रही है। इसका आप यूं भी कह सकते हैं 5 दिवसीय परीक्षा, भर्ती परीक्षा महायज्ञ। उस 5 दिवसीय भर्ती परीक्षा महायज्ञ का पहला चरण, पहला अनुष्ठान आज सकुशल संपन्न हो गया। आज सुबह की पाली में निर्विघ्न परीक्षा संपन्न हो गई। ये बड़ा संतुष्टि का विषय है और बहुत राहत का विषय भी है अभ्यर्थियों के लिए, उनके परिजनों के लिए, शासन के लिए, सत्ता के लिए, व्यवस्था के लिए, सबके लिए। क्योंकि जिस ढंग का माहौल है इस वक्त देश भर में परीक्षाओं में सेंधमारी को लेकर, उसमें बहुत बड़ी बात होती है शुचितापूर्ण परीक्षा करा लेना। आज जो पहला चरण संपन्न हुआ है वो सकुशल हो गया, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। हालांकि कुछ विघ्न संतोषी तत्वों ने खेल करने की कोशिश की, लेकिन योगी सरकार भी इस कदर तत्पर थी, इस कदर प्रोएक्टिव मोड में थी, हजारों दरोगा, थानेदार, डिप्टी एसपी, एसपी, सिपाही सब उतार दिए, मजिस्ट्रेट सब, डीजीपी खुद, प्रशांत जी खुद परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण कर रहे थे कि व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है कि नहीं। सोचिए, तो एक जगह कहीं एक महिला सिपाही और कुछ लोग रुपया वसूली के चक्कर में लगे थे, इसी भर्ती को प्रभावित करने की कुछ कोशिश कर रहे थे, तो वो वक्त से पहले पकड़ लिए गए। एक आध जगह कहीं नकल करने की किसी ने कोशिश की तो वो धरा गया। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि राज्य के समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता पूर्वांचल के, जिनके जिनका परिवार बड़ा राजनीतिक तौर पर बड़ा परिवार रहा, उनके पिता नेता मंत्री रहे, माँ सांसद रही, यासर शाह, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पर और दूसरे तकनीकी माध्यमों से ये प्रचारित करने की कोशिश की कि इस पुलिस भर्ती का पेपर आउट हो गया। अब इतनी खतरनाक चिंगारी आप चलाओ, जलाओगे, फेंकोगे तो स्वाभाविक है फिर उसका दंड भुगतना पड़ेगा। राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड ने बिना कोई समय गंवाए यासिर शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। क्या आओ जी, न्याय के कटघरे के अधीन आओ। जितनी तत्परता से मुकदमा दर्ज कराया गया उससे कम यह रहा कि लाखों अभ्यर्थियों और उनके परिजनों, शुभचिंतकों के मन में कोई संदेह नहीं आया। लेकिन कोशिश की गई कि फिजा खराब हो जाए, माहौल खराब हो जाए। आप सोचिए, अफवाह पंख लगा के उड़ती है और अगर ये अफवाह भी पंख लगाकर उड़ जाती तो प्रदेश का और देश का क्या माहौल होता आज। इस परीक्षा में करीब 6.5 लाख लोग तो भारत के अन्य राज्यों से हैं, जिसमें लगभग 2-3 लाख अकेले बिहार से हैं, 1 लाख के आसपास मध्य प्रदेश, 1 लाख के आसपास राजस्थान। तो एक तरीके की अखिल भारतीय परीक्षा है और 50 लाख लोग, आधा करोड़ लोग बैठ रहे उस परीक्षा के बारे में ऐसा झूठ फैलाना, ऐसी अफवाह फैलाना कि पर्चा आउट हो गया, पर्चा लीक हो गया, ये आपकी जो इंटेंशन है वो कितनी खराब है। ये वैसी बात है कि पेट्रोल के
जमीन पर पेट्रोल फैला हो और आप एक जलती हुई तीली उसमें फेंकना चाहें। ये वैसी ही साजिश थी, लेकिन सरकार सन्नद्ध थी, प्रतिबद्ध थी, खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे थे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी स्तर के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं राज्य के वो सड़क पर थे इसकी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप करने के देने के लिए। तो यासिर शाह की, समाजवादी पार्टी के इस नेता की ये कोशिश सफल नहीं हो पाई, अन्यथा हाहाकार हो जाता। लेकिन अभी इम्तहान और आगे भी है, और मैं तो कहता हूं कि ये पुलिस प्रशासन शासन सत्ता और सरकार का भी इम्तिहान है, पुलिस भर्ती का, केवल अभ्यर्थियों के लिए इम्तिहान नहीं, इन सत्ता के लिए भी इम्तिहान है। लेकिन आरंभ अच्छा है, इसलिए उम्मीद बंधती है कि उत्तर प्रदेश एक कीर्तिमान स्थापित करेगा पारदर्शी विश्वसनीय परीक्षा कराकर, और जितने भी किस्म के विघ्न संतोषी हैं इन पर भी निर्णायक तौर पर योगी सरकार नकेल डालकर रखे, ये भी जरूरी है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे, फिर बहस में चलेंगे। देश भर में पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो गई। 60,244 कांस्टेबल पदों के लिए 5 चरणों में होने वाली इस भर्ती की परीक्षाएं 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होंगी। इसमें करीब 48 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसमें करीब 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से हैं। अभ्यर्थियों के लिए बस में फ्री यात्रा के अलावा स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है। निश्चित रूप से योगी सरकार का बड़ा कड़ा प्रतिबंध है, बड़ा प्रबंध है, और आज आप बनारस में ही देख रहे हो हर परीक्षा केंद्र पर चाक चौबंद परीक्षाएं चल रही हैं। निश्चित रूप से किसी तरीके की कोई अनहोनी घटित नहीं होगी। पहले दिन की परीक्षा के लिए प्रदेश के 67 जिलों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां करीब 9,60,000 अभ्यर्थियों ने सिपाही भर्ती परीक्षा दी। पेपर लीक के चलते पहले रद्द हुई इस परीक्षा के लिए इस बार फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस परीक्षा को लेकर 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के अलावा एटीएस और एसटीएफ को भी लगाया गया। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की जबरदस्त चेकिंग की गई। बायोमीट्रिक एआई से कैंडिडेट्स की पहचान और सघन चेकिंग के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। हाथ में बंधे कलावे, चूड़ी, लॉकेट, जूते उतरवा दिए गए। 9 स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई। एग्जाम सेंटर्स की लाइव मॉनिटरिंग के लिए साइबर थाने को जिले का कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम पर अपर जिलाधिकारी स्तर का अफसर तैनात किया गया। पिछले 12 सालों में जितने भी सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं उन पर भी पुलिस की नजर रहेगी। परीक्षा केंद्र तक सेक्टर मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट की ट्रेजरी पेपर पहुंचाएंगे। पेपर अच्छा लग रहा है। तो क्या लग रहा है, क्या शक्ति ज्यादा थी सर? पहले से काफी अच्छा था। पहले से शक्ति ज्यादा थी जी सर, होनी चाहिए थी सर, होनी भी चाहिए थी सर। पहला पेपर लीक हो गया जी सर। जी सर बिल्कुल। तो क्या लगा? उम्मीद है सर अगर इस बार अच्छा रहेगा सब कुछ तो उम्मीद है। परीक्षा सर एकदम ठीक थी और जो ये अफवाहें थी नकल होने की, प्रशासन एकदम टाइट है, एक पंद्रह पेपर नहीं मार सकता है, कोई नकल नहीं कुछ नहीं, एकदम मस्त व्यवस्था, प्रशासन एकदम टाइट है। देश भर में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, वहीं योगी सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए कमर कस ली है। गोरखपुर में एसटीएफ ने एक महिला कांस्टेबल समेत 3 युवकों को पकड़ा। सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जो विपक्ष पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरता है, उसी विपक्ष के नेताओं का किरदार कानून के शिकंजे में आ गया। सपा नेता और पूर्व मंत्री यासर शाह पर पेपर लीक की अफवाह फैलाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि सोशल मीडिया और कई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पेपर लीक की अफवाह फैलाई जा रही थी। जहां जहां से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं,
सभी जगह FIR की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वह विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। बहरहाल पिछले साल नवंबर दिसंबर महीने में योगी सरकार ने इस पुलिस भर्ती का ऐलान किया था, वहीं तमाम प्रयासों के बाद भी 17-18 फरवरी को ही परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। अब उपचुनाव से पहले हो रही इस बड़ी परीक्षा में सरकार की भी अग्नि परीक्षा है। ऐसे में सवाल यही है, क्या पेपर लीक की चुनौती में परीक्षा की कसौटी पार कर पाएगी सरकार? यासिर शाह के इरादों पर सवाल ये कि आखिर ये प्लान क्या था, युवाओं के साथ ऐसा षड्यंत्र क्यों? पहली पाली में परीक्षा देकर बाहर आए एक अभ्यर्थी ने क्या कहा, एकदम मस्त, एकदम टाइट है प्रशासन, कहीं कुछ नहीं नकल कर सकता कोई, एक पर्ची नहीं कोई ले जा सकता, अच्छा रहा पर्चा। ये अभ्यर्थी का स्वर बताता है कि प्रशासनिक इंतजाम कितने पुख्ता थे जमीन पर। मेहमानों से आपका परिचय करा दें, डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, ऋचा जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जोशी साहब का बहुत स्वागत है। AK जैन साहब हैं, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के, जैन साहब का बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ हैं, अभ्यर्थी हैं पुलिस भर्ती में, सौरभ जी का बहुत स्वागत। सौरभ, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर जैन साहब के पास और फिर राजनीतिक लोगों के पास। कैसा रहा पर्चा, एक तो ये, और दूसरा व्यवस्था इंतजाम कैसा था? क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं आशंकित रहते हैं, डरे सहमे रहते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं सब नौजवान, फिर कोई गड़बड़ी हो जाए तो फिर उनके सपने टूटते हैं। इस बार जो पहली पाली का पर्चा हुआ है, आप देख के आए हो, कैसा है इंतजाम? सर पेपर बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, कहीं से भी आउट होने की कोई भी सूचना अब तक तो हम लोग ने नहीं सुनी। सभी लोग, जितने मित्र लोगों ने एग्जाम दिया है, बता पा रहे कि बहुत सख्ती थी और बहुत अच्छे, अच्छा पेपर आया और अच्छे से हुआ है जी। मतलब कहीं तो, जी हाँ बोलिए बोलिए जी सर। और सेकंड शिफ्ट वाले अभी तो नहीं जिनसे बात हो पाई है, लेकिन पहली शिफ्ट में जिनने भी एग्जाम दिया है बहुत सुचारू रूप से अच्छे से हुआ है एग्जाम, ये सब बता रहे हैं। और कहीं से भी कोई भी आउट होने की घटना अब तक हम लोग ने तो नहीं सुनी है, हम सभी छात्रों ने जी। ये बड़ी बात है, ये टेस्टिमोनियल है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी प्रशासन के लिए। जैन साहब, मैंने अपने जीवन में, पत्रकारी जीवन में, किसी इम्तिहान में इस प्रशासन का टॉप टू बॉटम इस कदर टॉप पे खड़े हो जाना मैंने नहीं देखा था। मतलब DGP से लेके और चीफ सेक्रेटरी तक और सिपाही से लेके और ADG तक, सब कलेक्टर से लेके SDM, ADM, सिटी मजिस्ट्रेट, सब सड़क पर। तो उसका परिणाम कम से कम शुरुआत में तो दिखाई दिया पहली पाली में। जैन साहब, बड़ा जबरदस्त संदेश पूरे प्रदेश में, जो सॉल्वर गैंग हैं, जो पेपर आउट कराने का प्रयास करते हैं, उन सब में जाएगा। मैं समझता हूं कि एक ऐसा मापदंड स्थापित किया गया है भविष्य के लिए कि कोई हिमाकत करने से पहले 10 बार सोचे। ये बिल्कुल सही कदम है कि कोई भी अगर कोई षड्यंत्र करता है, कोई भी अगर परीक्षाओं को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है, कोई भी अगर अफवाहें फैलाता है, उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि छात्र हैं, 2 मिनट में उद्वेलित हो सकते हैं। 48 लाख तो छात्र हैं, 2 करोड़ से ऊपर इनके परिवारीजन होंगे। आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और ये एक प्रतिष्ठा का विषय था शासन के लिए भी, पुलिस विभाग के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। और सबने इसमें कमर कसी है, मुझे बड़ी खुशी है। सबको बधाई देना चाहूंगा कि इसी प्रकार जो अन्य 4 दिन की परीक्षाएं हैं, इसी सख्ती से संपन्न कराएं, किसी प्रकार की कोई ढील ना आने दें। और जहां कहीं कोई सॉल्वर गैंग पता चले, कोई नकल करने का प्रयास करे, कुछ भी हो, क्योंकि 12 स्टूडेंट्स के ऊपर एक इन्विजिलेटर लगाया गया है, इससे कड़े प्रबंध नहीं हो सकते।
ये जो भी गड़बड़ करे उसको तत्काल धर दबोचा जाए, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। यही एक तरीका है और पिछली बार से जो सबक लिया है मुझे मुझे इससे बड़ी एक बड़ी संतुष्टि है कि इतनी मेहनत करके, लगन से, इतना पैसा खर्च करके, आप देखिए शामियाने कनात लगाए गए हैं उनके रुकने के लिए, ट्रेनों में व्यवस्था की गई है, बसेस में फ्री ट्रेवल की व्यवस्था है। एक पेपर पढ़ रहा था 157 करोड़ की चपत भर्ती बोर्ड को लग गई। हाँ कोई बात नहीं, लग गई कोई बात नहीं, पर ये 60,000 एक एसेट साबित होंगे हमारे विभाग के लिए। यंग ब्लड आएगा, पढ़े लिखे लोग आएंगे, बिना किसी नकल के, बिना किसी रिश्वतखोरी के विभाग में सम्मिलित होंगे। ये एक बहुत बड़ी देन होगी और आगे आने वाले 30-32-34 सालों के लिए ये एसेट साबित होंगे। बिल्कुल सही एक्शन हुआ है और जो कानून उत्तर प्रदेश ने बनाया है, ऐसा कानून ना केंद्र में है ना किसी प्रदेश में है। इतना कड़ा कानून बनाया गया है, लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का प्राविधान है, आपको पता ही है। बहुत सही किया गया है, आने वाली परीक्षाओं में शुचिता पूरी मेंटेन होगी, सख्ती रखी जाएगी, ऐसा मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है। बिल्कुल, जैन साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही कि जब ये नौजवान इसमें से 60,000 सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये 3 दशकों तक उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए बहुमूल्य रहेंगे। जी ये बड़ी बात है, जब आप नकल से, सिफारिश से, दाएं बाएं से पेपर खरीद के भर्ती होते हो तो फिर आप पुलिस विभाग को भी दूषित करते हैं। जोशी साहब, बड़ी विचित्र घटना घटी, शर्मनाक घटना घटी। पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, चुनावी प्रतिद्वंदिता हो सकती है, जय पराजय हो सकती है, लेकिन ये जो सौरभ जैसे जो 50 लाख बच्चे हैं, आधा करोड़, इनका सब कुछ दांव पर लगा, उसमें कोई लल्लू जगधर नहीं, चिंटू पिंटू नहीं, जिसके परिवार में मां सांसद रही, बाप मंत्री रहे, खुद मंत्री रहा यासिर शाह, उसने कहा चलो भूस में माचिस फेंको, देखो मजा, पराली जला रहे थे क्या? किसी सामान्य ओछे व्यक्ति ने कर दिया होता मैं समझ सकता था। यासिर शाह के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है अफवाह फैलाने का, और इस जो जैन साहब कह रहे थे इस अफवाह का मतलब तो आप भी जानते हो। अगर इस अफवाह पर तत्काल शिकंजा नहीं कसा गया होता और ये अफवाह पेनिट्रेट कर गई होती तो क्या होता मैं नहीं बता सकता, प्रदेश की कितनी बदनामी होती। ये बच्चे तो सपा भाजपा में नहीं बटे हैं, अगर क्या सोच के आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता ने, जो पॉलिटिकली परिवार का व्यक्ति है, खुद मंत्री रहा है, ऐसी हरकत की? जोशी जी देखिए, आज जो आपने पुलिस परीक्षा का जी आज जो इस पर डिबेट कराई है, मैं कहना चाहता हूं जो पुलिस परीक्षा को कराने का जो काम होता है वो सरकार अपने प्रशासन के द्वारा कराती है। आज बहुत सख्ती आपके चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, लेकिन आप पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा किस प्रकार इससे पहले भी पुलिस की जो परीक्षा है वो लीक हुई है, किसे छुपाव नहीं। और 7 साल में योगी सरकार में अगर हम देखें कितनी परीक्षा लीक है तो वो कोई छुपाव का विषय नहीं, वो सब आजकल इंटरनेट का जमाना है, वो सबको पता है। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, क्षेत्र में एक कहावत है, उसमें मैं क्योंकि संप्रदाय की राजनीति नहीं करता, मैं डैश शब्द का यूज करूंगा, उसे मरा तब मानियो जब तेरहवीं हो जाए। आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं, वेस्टर्न यूपी में भी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को समझते, आप पूरी बात को समझ गए होंगे अमिताभ जी, और दर्शक भी समझ गए। तो अभी परीक्षा का, जैसा कि हमारे जैन साहब भी बता रहे थे कि अभी एक परीक्षा हुई है, अभी और भी चरण इसके होने हैं और काफी लंबा इसका शेड्यूल है, तो अभी देखते हैं कि क्या उसमें सरकार कर पाती है, सरकार कितने अपनी अग्नि परीक्षा, क्योंकि ये सरकार की अग्नि परीक्षा, हमारी अग्नि परीक्षा। जोशी जी एक मिनट सवाल ये नहीं, ये तो सब जानते सरकार की है, लेकिन आप की समाजवादी पार्टी के टोन से मुझे ये लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कुछ बवाल हो जाए। एक और इस बात का मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, यासिर शाह के कद का आदमी जब अफवाह फैलाने में लग जाए तो इसका मतलब है कि आपका मंशा ये है कि किसी न किसी तरह किसी न किसी पाली में बवाल हो जाए ताकि हम फिर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि देखो फिर बवाल हो गया। ऐसी मंशा क्यों? चूंकि भाजपा से लड़ाई है,
ये सौरभ से तो लड़ाई नहीं आपकी ना, ये जो 50 लाख बच्चे हैं इनसे तो आपकी लड़ाई नहीं ना। अमिताभ जी यशार शाह के प्रश्न का भी जवाब दूंगा, हम लोग भागने वाले लोग हैं क्या? पुराने चावल हैं हम लोग, भागते नहीं हैं हम लोग, डट के सामना करने वाले लोग हैं समाजवादी। आपको यशार शाह का भी जवाब दूंगा। और मैंने कहा कि आप, हम विपक्ष के नाते जिसे आप अलग भाव में लेके, हमारा कहने का मतलब था कि अभी पालिया और है, चरण और है। हम विपक्ष के नाते ये देखना चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में और इस परीक्षाओं को अच्छे से कराने में सक्षम है कि नहीं, जिसे आप अलग भाव में ले गए लेकिन आप ले जा सकते हैं क्योंकि आप पत्रकार हैं। अब आ जाता हूं यशार शाह के प्रश्न। भागना नहीं अमिताभ जी, भाग भी 30 साल का कहां चले गए, हमारे बेकवाल तो चले गए। अब आपको आता हूं यशार शाह के। यशार शाह इस प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसमें कोई आपने जो बात कही बिल्कुल सच कही है, एक जिम्मेदार नागरिक है ये भी सही है। और लेकिन उन्होंने जिस परिपेक्ष में अगर उन्होंने कहा है, अपनी चिंता के स्वरूप में कहा है, वो विषय अलग है। और अगर उन्होंने अफवाह के कहा, क्योंकि अब मामला कोर्ट में है, आप भी जानते हैं मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, अब मामला कोर्ट में, कोर्ट तय करेगा। ठीक है जोशी, अगर उनकी जो गलती है उसकी सजा ठीक है, रुक जाना होगा। चिंता के लिए नहीं था, उनने अफवाह फैलाई कि पेपर आउट हो गया, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा ठोक दिया गया है। अब मैं तो कह रहा था गिरफ्तारी भी तुरंत करो, ज्यादा इंतजार ही ऐसे मामले में ठीक नहीं भाई। 50 लाख बाल बच्चा इम्तहान दे रहा है, कुछ तमाशा है? बिल्कुल, आपकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। ठीक जोशी जी, ठीक ठीक है। मैं एक सेकंड की बात करूं, ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन गिरफ्तारी हो कानून के तहत, तो सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इस देश प्रदेश ने अभी देखा है गिरफ्तारियां कैसे कैसे होती है, सत्तारूढ़ पार्टी। ठीक है जोशी जी, ठीक है ठीक है, वो भी देखा है प्रदेश भाई ये। ठीक है जोशी जी, ये कतई नहीं हो सकता कि आप विपक्ष में इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो और आप माचिस लेके पूरे इलाके में घूमते रहो, चाहे आप फूंकते रहो, ये तो नहीं होगा ना। विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, 4 डंडे मार के अंदर करो भाई। तमाशा है क्या? आधा करोड़ बच्चा, उसके जीवन का फैसला होना है, मजा ले रहे लोग उसमें देख के, आग जमा लो दूर भाई, यूपी में कहावत है। ऐसे जितने भी जमालो टाइप के हैं इन सबको अंदर करना चाहिए, केवल मुकदमा लिखने से कुछ नहीं। मैं तो राज्य सरकार से कहूंगा तुरंत गिरफ्तारी करो भाई, मैसेज बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। और मैं बीजेपी के पास जाऊं उससे पहले एक बात जोशी जी किस लिए कहूं, जोशी जी के उसमें संज्ञान में लाऊंगा, कभी राजनीति से हमको ऊपर होकर ये भी कहना चाहिए कि हाँ हमको भाई इस बात से बड़ा संतोष मिला कि इतने संघर्ष और प्रयासों के बाद पहली पाली सकुशल संपन्न हुई। जब आप ये बोलोगे तो आपका सेंस समझ में आएगा कि आप भी चाहते हो कि सब अच्छे से सकुशल हो जाए। और जब आप ये कहोगे अभी काय को कह रहे हो, अभी तो बहुत, देखो आगे आगे देखो क्या हो, तो सेंस समझ में आता है कि आपकी इच्छा ऐसी है कि कुछ हो जाए बवाल। ये ठीक नहीं, हम शमशान पर बैठे महाब्राह्मण थोड़ी ना है, राजनीतिक दल है कि शमशान पर बैठे महाब्राह्मण है कि सुबह सो के उठे और खूंटा ठोका बोले कि 2-4 बड़े लोग मर जाएं तो आज हमारा ठीक रहे कार्यक्रम। क्या ये चाहते हैं हम? ये भाव नहीं होना चाहिए। ऋचा जी, मैंने जो बात में जैन साहब से कह रहा था वही कि मैंने अपने जीवन में इतने बड़े इंतजाम और इतने व्यापक इंतजाम और ग्राउंड जीरो तक इतने बड़े इंतजामों को पेनिट्रेट करना मैंने नहीं देखा इम्तहान के लिए। और अच्छे से सकुशल पहली पारी निपटी है, दूसरी पाली भी चल रही है, खत्म भी होगी शायद 5 बजे। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि यासिर शाह के खिलाफ मुकदमा लिखा, FIR लिखी गई, इतना बड़ा मसला कि जिसमें सावधानी हटती तो इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाती कि बाद में आप हाथ मलते रह जाते, पता लगता कि 100, 200, 500 केंद्रों से बच्चा बाहर आ गया, हंगामा हो गया, पूरी परीक्षा पर सवाल खड़ा हो जाता। उनके खिलाफ मुकदमे लिख के छोड़ दिया, वो क्या ट्रेसेबल नहीं थे कि गिरफ्तारी होती और एक मैसेज जाता कि आपने बवाल करने की कोशिश की, हमने आपको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। रिजा जी, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लेकर बेहद गंभीर है और उसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है
कि आज जितने बड़े स्तर पर परीक्षा हो रही थी उससे कहीं बड़े स्तर के इंतजाम किए गए थे और पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पिछली बार फरवरी में जब पेपर लीक हुआ तो हमने उससे सबक लिया, हमने उससे पल्ला नहीं झाड़ा और उससे सबक लेकर हमने रिकॉर्ड समय में दोबारा परीक्षा शुचितापूर्ण कराना यह हमने चुनौती के तौर पर लिया। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए, फूल प्रूफ इंतजाम किए गए। एआई के माध्यम से परीक्षार्थियों की पहचान की जा रही है, परीक्षार्थियों की सुविधाओं के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि उनको बस की सुविधा उपलब्ध हो सके, उनको रहने की सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ जिस तरीके से अराजक तत्व और शरारती तत्व इसमें पूरी तरीके से सक्रिय हुए हैं उनसे भी निपटने के लिए हमारी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए और साथ ही साथ शुचितापूर्ण परीक्षा हो जाए इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन जैसा कि आपने अभी पूर्व में बताया कि समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। विपक्ष का कार्य केवल सवाल उठाना नहीं होता है, विपक्ष का कार्य ये भी है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। आज जिस तरीके से लाखों अभ्यर्थी जब सेंटर पे अपनी परीक्षा देने गए हुए थे तब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो सपा सुप्रीमो के बेहद करीबी हैं, जिनका पूरा राजनीतिक इतिहास है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने किसी गलती में ये कर दिया। पूरी सोची समझी साजिश के तहत समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, ये एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इन अराजक तत्वों से निपटने के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ कमर कसे हुए थी, जिसके तहत उनके ऊपर FIR की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में anti-paper leak लॉ लागू है, उस कानून के तहत FIR दर्ज हुई है। FIR दर्ज होने के साथ ही उनके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के तमाम करोड़ों अभ्यर्थियों का जो तमाम परीक्षाएं देते हैं उनके भविष्य का सवाल है, उनके विश्वास का सवाल है। जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया और हमारे अभ्यर्थी साथी कह भी रहे थे कि किस तरीके का संतोष है आज युवाओं में परीक्षा देने के बाद, इसको देखा जा सकता है और इस संतोष को बनाए रखना, किसी भी अफवाह से निपटने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार मजबूती से कर रही है। लेकिन जो कुत्सित प्रयास, जो नकारात्मक प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया, अमिताभ सर मैं तो चूंकि प्रयागराज में रहती हूँ और मैंने परीक्षा केंद्रों को बहुत पहले भी देखा है एक अफवाह किस तरीके से चिंगारी का काम करती है और ये किस तरीके से अराजकता में तब्दील हो सकती है, इसका अंदाजा आपको मुझसे कहीं ज्यादा है लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग भी इसको लगा पाते हैं। आप सोचिए कि ये अफवाह अगर फैलाने में ये लोग कामयाब हो जाते तो आपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को तोड़ने का, उसके सौहार्द को बिगाड़ने का पूरा पुख्ता इंतजाम समाजवादी पार्टी के नेता ने किया था और जिससे समाजवादी पार्टी पल्ला नहीं झाड़ सकती है। समाजवादी पार्टी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कानून तो अपना कार्य करेगा ही करेगा लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के करोड़ों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, क्या कोई नजीर बनाएगी? नहीं बनाएगी, क्योंकि कोई भी माफिया हो सबको संरक्षण समाजवादी पार्टी देती है लेकिन जिस तरीके से अन्य माफियाओं के ऊपर योगी सरकार ने नकेल लगाई है, हम शिक्षा माफियाओं को भी ध्वस्त कर देंगे। शिक्षा माफियाओं के साथ जो नकल का नेक्सस समाजवादी पार्टी छोड़ कर गई थी इसको ध्वस्त करने का काम उत्तर प्रदेश की ऋचा जी अभी रुकना होगा। मैं एक इस पर एक काउंटर जोशी जी से ले लूं फिर जेंस आपके पास चलूंगा एक बुनियादी सवाल लेके। जोशी जी, भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने साजिशन इंटेंशनली जानबूझकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश की यासिर शाह के जरिए। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कहें ना कहें, आप कहें ना कहें, ये भी पता है कि आजकल आदरणीय योगी जी के साथ कौन से मंत्री, कौन से MLA साथ खड़े हैं, कौन कहते हैं इनके साथ के ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि कोई भी परीक्षा में पास करवानी हो तो इनसे मिल लीजिए, पूरा वीडियो वायरल है। तो ये गाथा मेरे मुंह से कलवाएंगे तो फिर आज के दिन के लिए शुभ नहीं रहेगा।
और पूरी गाथा है कि कौन के परीक्षा लीक कराने वाले एमएलए। नहीं नहीं जोशी जी, वो तो सबको पता है, वो इंटरनेट पड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आपका इतना बड़ा नेता, ये कोई ऐसा तो नहीं लोहिया बानी का जिले का लड़का था, ये मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का बच्चा था, ये तो पुराना आदमी है और कोटरी का आदमी है, बकार शाह का लड़का है, छोटा तो है नहीं। अमिताभ जी, उस विषय में हमने कह दिया है कि कानून अपना काम करेगा। अब जब आपको भी पता है कि जब मामला कोर्ट में चले जाता है, जब एफआईआर हो जाती है, तो हमें इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया भी नहीं करनी है। अब कोर्ट अपना काम करेगा, उसके जांच होगी, जांच के बाद तो कोर्ट अपना काम करेगा, इसलिए इस पर ज्यादा नहीं। हमने कह दिया, हमने जो कहना था कि जब तक कोर्ट में मामला नहीं होता तब तक हम अपनी राय रख सकते हैं। मैं कानून का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि कोर्ट पे किसी प्रकार का प्रश्नचिन्ह करना और कोर्ट पे किसी पे राय करना, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब कोर्ट का काम है, कोर्ट क्या काम? ठीक ठीक, मुझे लगता है कि यही नियम आएंगे रिचा आपके पास, अभी जोशी जी जैन साहब पास चलूंगा। मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी यही मर्यादा और यही नियम कि जो मसला कोर्ट में पहुंच जाए उस पर हम नहीं बोलेंगे, हम आगे आने वाले भविष्य की घटनाओं में भी रखे, तो एक समझ में आएगा कि भाई उनका एक सैद्धांतिक अप्रोच है कि कोर्ट के इशू पर नहीं बोलेंगे। लेकिन हमने तो सुप्रीम कोर्ट तक में मामला हो और उसमें मोहल्ला सुधार समिति तक के नेताओं को बोलते देखा, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये पिक एंड चूज नहीं चलता। आज का मसला गंभीर था, ये सत्यनारायण कथा में अफवाह नहीं फैलाई गई। जैन साहब, मैं तो सोचकर कांप जाता हूं कि अगर इस अफवाह को पंख मिल गए होते तो महीनों की तपस्या, मेहनत, बच्चों की, उनके परिजनों की, शासन की, सब कुछ ध्वस्तीभूत नहीं हो जाता, हंगामा हो जाता। आपका कहना बिल्कुल सही है, मुझे ये सूचना थी कि इसके लिए पहले से तैयारियां हैं, पुख्ता तैयारियां हैं कि पहली एफआईआर कौन कराएगा, कौन इसके वादी होंगे, सारे सेक्शन सब पहले से एफआईआर तैयार थी जी। कि नए एक्ट के हिसाब से, क्योंकि उसमें अभी मुकदमे दर्ज नहीं हुए हैं, आपको पता है भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं जी। तो पूरी तैयारी थी, ये नहीं कि अब उसमें समय लगेगा, उसको देखा जाएगा, हेड मॉडरेटर समझेंगे कि कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, ये सब पूरी तैयारियां थी कि कुछ कई जगह से इस प्रकार के कुत्सित प्रयास होंगे और जो भी इस प्रकार के प्रयास करेगा तत्काल मुकदमे दर्ज होंगे, जिससे कि इसके पहले कि वो अफवाह फैले, सब सेंटर्स पे पहुंचे, उसके पहले पहले कार्रवाई हो। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे जो भी तत्व हैं, चाहे वो नकलची हों, चाहे वो सॉल्वर हों, जो भी हों, अफवाह फैलाने वाले हों, इनके खिलाफ इस प्रकार की परीक्षा में जहां इतनी तैयारियां की गई हैं, जिसको एक मॉडल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कंट्री में, 60,244 भर्ती हैं जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ी ईगरली अवेट कर रही है कि ये नौजवान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में आएं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की हमारी कैपेसिटी सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर डबल की गई है, इसीलिए जिससे इनको अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण मिल सके और ये आगे चल के एसेट साबित हों विभाग के लिए, एक बोझ ना बने। तो ऐसे में जैसा आपने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, कठोर कार्रवाई ऐसे तत्वों के विरुद्ध होनी चाहिए। रायबरेली में अरेस्ट हुई है और जगह हुई है, जहां पर भी किसी ने कोई प्रयास किया है तुरंत धरपकड़ हुई है, होनी चाहिए और ये लगातार कंटिन्यू रहना चाहिए। कहीं पर भी बिल्कुल अभी कोई इसमें ढिलाई कतई भी अक्षम्य होगी, क्योंकि 31 तक परीक्षाएं हैं, अभी तो आगे बहुत लंबा सफर है और बिल्कुल सख्ती से कराया जाएगा, इससे नेकनामी मिलेगी प्रदेश को। और जैसा मैंने कहा कि होनहार 60,244 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त होंगे। मैं सौरभ के पास चलूंगा, और उससे पहले एक बात मुझे जो समझ में आ रही है व्यवहारिक पक्ष इसका, वो ये कि एक लड़का नकल करते पकड़ा गया, पकड़ लिया, उसको हटा दिया, उसका पर्चा ले लिया, कभी अब आप इम्तिहान नहीं देंगे, ठीक, वो ज्यादा नुकसानदेह नहीं, अगर आप सजग हैं तो नकल दिख जाएगी, पकड़ लो, बार करो उस लड़के को। लेकिन अफवाह तो अमूर्त रूप से जब फैलती है ना, तो भूसे के ढेर में आग की तरह फैलती है,
फिर ना शासन कुछ कर पाता है, ना प्रशासन कुछ कर पाता है, ना कानून कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, जो जितना नुकसान करना उतना करके ही जाती है फिर वो अफवाह, फिर वो रुकती नहीं। इस बात से जोशी जी भी सहमत होंगे और सब लोग सहमत होंगे, इसलिए मैं बार बार उस बात को कह रहा हूं। आपकी मंशा खतरनाक थी ना, रायबरेली में एक लड़का पकड़ा गया नकल करते हुए, ठीक है, एक केस है, हो गया, ठीक है, उसको लगा कि हम नकल करके निकल जाएंगे, नहीं निकल नहीं सकते, प्रतिबंध इतने कड़े हैं, इंतजाम इतने कड़े हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में जब पूरा समाज इस पर है तो अफवाह को फैलने में रियल टाइम लगता है, और उतने में सारी तपस्या भस्मीभूत हो जाती है, ध्वस्तीभूत हो जाती है। खैर सौरभ, पिछले बार का इम्तहान और इस बार के इम्तहान में जो इंतजाम है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें क्या अंतर दिखा आपको, फरवरी में जो इम्तहान हुआ था उसमें और इस बार? जी सर, अभी मेरा एग्जाम तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे अपने मित्रों से बात हुई है जो एग्जाम देकर निकले हैं, उनको सुनकर और समझ में आया कि बहुत क्लियर तरीके से सुचारू ढंग से तैयारी में एग्जाम हुआ है, उनकी पालियों में एग्जाम हुआ है। बाकी बस यही आशा करते कि आने वाली पालियों में तिथियों में भी बहुत सुचारू रूप से अच्छे ढंग से एग्जाम हो तो बहुत अच्छा होगा, आप सभी छात्रों के लिए, छात्रों के काफी अच्छा होगा। अच्छा, दुखदुखी तो रहती होगी ना अंदर? हाँ सर, डर तो लगता ही है कि पिछली बार की तरह अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरिट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी, जिनके पास एग्जाम होगा, जिनके पास एग्जाम पेपर होगा, उनके उनसे हम कंप्लीट कर ही नहीं सकते ना कभी, क्योंकि हम से तो अच्छा ही करेंगे एग्जाम, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो बढ़ रहा होगा। नहीं हाँ सर, इतना तो है, बस यही चाहेंगे कि जो अच्छे से मेहनत की है तो पेपर सुचारू अच्छे ढंग से हो जाए, साफ सुथरे ढंग से, तो सबके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, हम लोग उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी और शुचिता के साथ इम्तहान हो, क्योंकि ये हमारे पुलिस फोर्स, हमारा पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश का कैसा हो ये उसका फैसला होगा, यहाँ से रामलाल सेलेक्ट हुए कि श्यामलाल हुए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस देश के लिए। 60,000 अच्छे योग्य युवा उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस का चेहरा बदल जाएगा, नई तकनीक से यूज टू होंगे वो लोग, जैन साहब नहीं, पुराने टाइम के जो लोग हैं वो तकनीक में ही पिछड़ जाते हैं। आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए एक स्मार्ट और एक समय के अनुरूप चलने वाली फोर्स तो चाहिए, इसलिए सबका मत यही है, सबकी इच्छा यही है कि ये परीक्षा निर्विघ्न हो। ऋचा जी, जोशी जी कह रहे हैं कि भाई मामला अब तो मुकदमा लिख गया, इसलिए अब उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, अब जो टिप्पणी करेगी अदालत करेगी। नहीं, आदरणीय अमिताभ सर, समाजवादी पार्टी को ये उसका मूल चरित्र है कि उसको युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं होती है, और वो खिलवाड़ करने के बाद किसी तरीके का उसमें कोई रिग्रेट भी नहीं होता है, जिस तरीके से आज आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात सुनकर भी लग रहा है कि वो इस इंतजार में है कि किस तरीके से कोई अव्यवस्था सामने आ जाए, इनको करोड़ों युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं। किस तरीके से आज अराजकता फैलाकर आपने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को अराजकता की भेंट चढ़ाने का प्रयास किया, उस पर क्या समाजवादी पार्टी कोई स्टैंड लेगी या किसी तरीके का अपना कोई पक्ष रखेगी? ये केवल इतना छोटा मसला नहीं है कि आप ये कहकर झाड़ लें कि हाँ ये कानून का विषय है, और ये कोई पहली बार नहीं है अमिताभ सर, समाजवादी पार्टी का रवैया हमेशा इसी तरीके का रहा है। और अगर आप पिछले दिनों देखिए, अगर आप पिछले दिनों उठाकर देख लें तो समाजवादी पार्टी के हर विषय पे जिस तरीके से सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस तरीके से अराजकता में झोंक दिया जाए, इसको लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि ये समाजवादी पार्टी की देखरेख में समाजवादी पार्टी के कार्यालय से किए जा रहे हैं, तो इस पर समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए। और समाजवादी पार्टी चूंकि उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है, तो इस तरीके की नकारात्मक राजनीति छोड़कर इनको सकारात्मक प्रयासों में सरकार के साथ आना चाहिए। ठीक है ऋचा जी, जोशी जी,
एक विषय प्रश्न मेरे मन में उठता है, जब इतनी बड़ी घटना घट गई, यासिर के खिलाफ FIR दर्ज हो गई, पुलिस भर्ती बोर्ड ने FIR दर्ज करा दी, तो कम से कम समाजवादी पार्टी की लीडरशिप की ओर से, टॉप लीडरशिप से इस पर कोई टिप्पणी तो आनी चाहिए थी, नहीं सार्वजनिक पटल पर पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी ना, छोटा विषय नहीं है। आपने ब्रह्मास्त्र चला, वो चूक गया, विध्वंस नहीं हुआ, लेकिन आपने तो ये सोच के नहीं चला कि चूक जाएगा, आपने तो इसीलिए चला कि विध्वंस हो जाए। इतनी बड़ी परिघटना हो गई लेकिन समाजवादी पार्टी के टॉप लीडरशिप ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कहना चाहिए था। और या आप डिसोन करिए तो यासिर साहब को इसको बाहर करिए, एटलीस्ट तब तक के लिए तो बाहर कर ही देते जब तक इस मामले में वो निर्दोष न साबित हो जाता। जोशी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को मैं सुन पा रहा था, ऋचा जी कह रही थी कि देखिए जो समाजवादी पार्टी है हम युवा विरोधी, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, ये 7 साल से जो परीक्षा का रिकॉर्ड फिर रद्द, परीक्षा लीक का जो रिकॉर्ड बना रहे थे माननीय बहन जी, ये आप ही बना रहे थे, इसमें समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी आपकी सहयोगी संगठन नहीं है, आपके हम लोग अलायंस नहीं है मैडम, आपके 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 ओम प्रकाश राजभर खुलेआम कह रहे हैं मंच से, वो कह रहे हैं कि परीक्षा किसी को लीक करानी हो, परीक्षा का पर्चा पास करवाना, और मेरे पास विधायक है, वो आपके साथी हैं, हमारे साथी नहीं है, आपके साथी हैं, आप जिम्मेदारी लेंगे उनकी, आप लोग परीक्षा लीक करवा रहे हैं, आपका शासन प्रशासन फेलियर है। नहीं नहीं, इनका तो हमने मान लिया जोशी जी, सब बात आप ठीक है, लेकिन हम कह रहे थोड़ा अभी यासिर साहब की ओर चलो, वहां कोई बड़ा आदमी बोलेगा कि नहीं यासिर साहब पर। मैं अमिताभ जी उसी बात पर आता, आप थोड़ा तो पेशेंस रखिए, आप नहीं, इनका हमने मान लिया, राजभर से लेकर निषाद तक सब मान लिया, और जो आप ना कह रहे वो भी सब मान लिया। चलो अब मैं पूछ रहा हूँ कि यासिर शाह का क्या होगा ये तो बताओ। अब यासिर शाह ने आज जो टिप्पणी करी है, जो आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चल रहा है, पार्टी के संज्ञान में भी आएगा, पार्टी के अनुसार टिप्पणी नहीं की, अपराध किया है। मैम थोड़ा सा टिप्पणी और अपराध में फर्क होता है। ठीक, एक मिनट उनकी बात आ जाए जोशी जी की। जी जोशी जी, मिताब जी मैं इस तरह से नहीं, नहीं, आप उनको मैंने समझा दिया, आप बताओ। ऋचा जी को कभी इंटरप्ट नहीं करता, ऋचा जी मेरे को समझ। जोशी जी मसला वही है, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऐसी कोई टिप्पणी थोड़ी की, उन्होंने कहा पर्चा लीक हो गया, इसी में तो मुकदमा हुआ है। जो भी बयान है उसके लिए पार्टी की अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति, ऋचा जी तो हमारे दल को समझती है, अनुशासन समिति होते है, अनुशासन समिति। आप भी घोर माठा कर रहे हो महाराज, अब कौन ऐसे ऐसे मामलों में समितियां होती हैं, हर बात की अनुशासन समिति क्यों बनाई जाती है जोशी जी, अब हमें ना बताओ महाराज, अनुशासन समिति हमने सब पार्टियों की समितियां देखी हैं। अब आपने देखिए, आपका विषय अलग है जी, लेकिन एक मिनट रुक जाओ। एक बार भाजपा वालों ने हमसे कहा, जैन साहब बड़ा रोचक किस्सा है आपके फील्ड से नहीं लेकिन समाज का, भाजपा का कोई मसला फंसा, मैंने सवाल पूछा थोड़ा कड़ा, तो उनने भी ऐसे जोशी जी की तरीके से अपनी जान बचाई, बोले वो अनुशासन समिति देखेगी, 2-3 साल लगते ही उसमें, तो चिट्ठी पत्री फाइल चलेगी। मैंने कहा यही नियम बोले, हाँ मैंने कहा 4 दिन पहले शुभेंदु ने एक छोटी सी सभा में बोल दिया था कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ उनका विकास। मैंने कहा 12 मिनट में उनको 3 बार खंडन करना पड़ा था क्या, और निकलते निकलते बचे थे, तब अनुशासन समिति और शासन समिति कहाँ थी। वैसे मैं सपा से कह रहा हूँ जोशी जी, एक होता आंख में धूल झोंकना, दूसरा होता धूल के बोरा में मूल डाल देना, क्या ऐसा भी नहीं करो महाराज। आप बताओ, अभी मान लीजिए कोई आदमी यासिर शाह ही सही, अखिलेश जी पर कोई टिप्पणी कर दें, घड़ी देख के 5 मिनट में उनका तियापाचा हो जाएगा ना, समिति छोड़ो क्या अमिति समिति कुछ नहीं, 5 मिनट में उनका तियापाचा हो जाएगा, और एक निकाल भी दी जाएगी पार्टी से, और 1000 गाली उनको 5 मिनट में मिल चुकी होंगी सोशल मीडिया पर। गलत तो नहीं कह रहा, काहे की अनुशासन समिति का ही, जिसको टालना हो तो वही बोले समिति में डाल दिया। आज विषय गंभीर था, प्रमुख विपक्षी दल का एक बड़ा नेता उसमें इन्वॉल्व हुआ, उसके खिलाफ मुकदमा किया शासन ने, उसको टिप्पणी करनी चाहिए थी,
ये इस ढंग का बात नहीं कि अदालत देखेगी और समिति देखेगी, नहीं। अनुशासन उन्होंने पार्टी का तोड़ा नहीं तोड़ा मुझे नहीं पता, पार्टी में क्या अनुशासन है तो आप जानो। उन्होंने उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था को तोड़ने का पाप किया भैया, आप क्या ये अनुशासनहीनता है नहीं आप जानो, मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने ये विषय उठाया। खैर सौरभ बाबू, तो मन में इस बार उल्लास है? तैयारी की है उस हिसाब से, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है हम लोग क्या मैं, और अब की पद भी बहुत है 60,244, लेकिन एक पोस्ट पर 80 लोग दावेदार हैं। सर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, जिसने अच्छे से मेहनत की है उसका अच्छा एग्जाम होगा। गुड, यही 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 जिजीविषा होनी चाहिए, यही आत्मबल होना चाहिए कि कितने भी अभ्यर्थी रहे इससे कोई फर्क नहीं, हमने अच्छे से तैयारी की है, हम परीक्षा पास करेंगे, यही रहना चाहिए। क्योंकि आपने मेहनत की और आपके माता पिता ने भी सौरभ बहुत मेहनत की होगी, संतान को यहां तक लाने में माता पिता की कमर झुक जाती है, उनके हजार सपने पीछे छूट जाते हैं तब बच्चे का सपना पूरा होता है, इसलिए मैं इस विषय में बड़ा भावुक रहता हूं। अम्मा अपने लिए साड़ी लेना छोड़ देती, मुलतवी कर देती है, पिता अपना जूता नहीं बदलते, बोले इसी में मोची से वो लगवा लेंगे हैं और चल अभी चल जाएगा, अभी लड़के को वहां इलाहाबाद में फीस भेजनी है, इसलिए मैं कहता हूं इससे बड़ा कोई पाप नहीं। जैन साहब, मुझे लगता है कि कानून की बात तो अलग है, लेकिन हम लोग जितना गौ हत्या को सबसे घृणित पाप मानते हैं, मैं मानता हूं ये बच्चों की नौकरियों में, भर्ती की परीक्षाओं में छेड़छाड़, इस तरह का प्रयास भी ये गौ हत्या जैसा ही उसी ढंग का पाप है, पूरा कि पूरा, मतलब ऐसा लगता है कि श्रिंक हो गया पूरा परिवार और जमींदोज हो गए उसके सारे सपने एक झटके में। हमने पिछली बार देखा था फरवरी में क्या दृश्य बना था, रोने के इतने विजुअल थे कि लगता था कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ जाएगी, ऐसे बच्चे रो रहे थे, उनके परिजन रो रहे थे। जैन साहब नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हम लोगों के बैचेस के आईपीएस आईएएस आईएफएस वगैरह के, जो पूजा खिटकर वाला अभी कांड हुआ महाराष्ट्र का, उसको लेकर सबने अपनी चिंता व्यक्त की कि अगर यूपीएससी इस प्रकार से रिक्रूटमेंट करेगा, अप्रूवल करेगा कैंडिडेट्स का, तो क्या छवि बनेगी। हम लोगों को ये लगा कि अगर ये हमारे साथ अगर इस प्रकार का हुआ होता तो हम लोगों के भविष्य का क्या हश्र होता। तो ये आपका कहना बिल्कुल सही है, ये मैं इसको गौ हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध मानता हूँ कि आप किसी के भविष्य, जो पढ़ रहे हैं, जिनको ये चिंता है कि वो एज का बार क्रॉस करने वाले हैं, पूरी तैयारी किए हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं। मैंने मेरठ के देहात में देखा है, सुबह पौने चार बजे लड़के बागपत रोड पे, मैं एक मंदिर के दर्शन करने जा रहा था, हजारों की संख्या में सुबह पौने चार बजे दौड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर। मैंने रोक के पूछा उनको क्या है, क्या कर रहे हैं, कहने साहब तैयारी है हमारी कांस्टेबल की परीक्षा की। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितना परिश्रम इस परीक्षा के लिए, जो कि सबसे छोटा पद एक तरह से आप कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पद है पर सबसे छोटा पद है, कितनी तैयारी करके बच्चे आते हैं, कितना पैसा परिवारजनों का लगता है, कितनी आस उनकी रहती है कि बच्चा हमारा वर्दी पहनेगा और विभाग में शामिल होगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने ऐसी भी भर्तियां देखी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जिसमें कि कांस्टेबल जो सेलेक्ट होके आए हैं एक प्रार्थना पत्र छुट्टी का नहीं लिख सकते थे, उनकी कॉपियां किसी और ने लिखी थी। ये जो आएंगे इनके इनके इनमें एक कॉन्फिडेंस होगा, इनमें एक आत्मबल होगा कि हम अपने पौरुष के आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ है, हमारी मेरिट पर सिलेक्शन हुआ है और ये एक स्टैंड ले सकेंगे विभाग में आकर। मेरा ऐसा मानना है, बहुत बहुत चेंज ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों के आने पे होता है और ऐसे अभ्यर्थियों के आने पे जो पूरा नकल करके पैसा देकर भर्ती होके आते हैं, एक उस वो जो होते हैं वो सिवाय आते सारी लूट खसोट शुरू करने के और कुछ नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा मायावती जी को,
उन्होंने जो है भर्ती बोर्ड का गठन किया था, उन्होंने कहा कोई इंटरफेरेंस किसी प्रकार का पॉलिटिकल नहीं होगा, भर्ती बोर्ड भर्ती करे, हमें कोई मतलब नहीं है कौन भर्ती हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। और तब से आज तक में भर्ती बोर्ड बहुत सक्षम बोर्ड बन गया है और विभागों के लिए भी भर्ती करता है, और पिछली बार चूक हो गई, मैं समझता हूँ इस बार का एक मॉडल एक सेटअप होगा, पूरे देश में इसको फॉलो करने का प्रयास होगा। बहुत अच्छी बात कही जोशी जी आपने, जैन साहब आपने। जोशी जी, जो बात जैन साहब कह रहे थे और वो उसके प्रत्यक्ष वो है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को लीड किया है परसों तक, कि ऐसे सिपाही भर्ती हो गए जो अपना नाम नहीं लिख सकते, एक छुट्टी क्या दरख्वास्त नहीं लिख सकते, क्या बंदूक नहीं चला सकते, राइफल लोड नहीं कर सकते, अनलोड नहीं कर सकते। आखिर ये लोग कहां से आए थे? आए तो होंगे जब नौकरी में है तो। योशी जी, देखिए अमिताभ जी, जो अभी सर भी कह रहे थे साहब, जैन साहब, कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल परिवार के उनकी तारीफ करी, मेरा ये मानना है इस प्रदेश में कांग्रेस, सपा, भाजपा, बसपा, चारों पार्टियों ने शासन करा, और मुझे ऐसा लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के इस राज्य को निर्माण करने में कोई ना कोई योगदान है। मैं केवल इसको स्वरूप लेता, मैं इसमें ही रहता कि आज मैं सपा में हूँ, प्रवक्ता हूँ, तो हमने जो करा है, हाँ पहले के लोगों ने कुछ नहीं करा, ये भावनाएं किस दल में है ये आप देखते होंगे, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस का कानून का विद्यार्थी होने के कारण वो आपकी बात है, लेकिन जो जैन साहब ने कहा कि जो आज जो सिपाही अपनी छुट्टी की दरख्वास्त नहीं लिख सकता, वो भर्ती कैसे हो गया, हम उस सिस्टम का ही तो पोस्टमार्टम करना चाह रहे हैं। अमिताभ जी, वही मैंने कहा कि कोई भी सरकारें रही, चाहे वो सपा की रही, कांग्रेस की रही, बसपा की रही, बीजेपी की रही, हर सरकार के मेरिट और डीमेरिट रहे। सर ने, जैन साहब ने मेरिट भी बताने का काम करा और डीमेरिट भी बताने का काम करा, लेकिन मैं उस चश्मे को नहीं लगाता, उस चश्मे को मैंने बहुत दूर उठा के फेंक दिया है, जो चश्मा ये कहता है कि नहीं हमारी पार्टी ने काम करा, बाकी सब तो बेकार। तो मैं ऐसे लोगों से ना कोई इत्तेफाक रखता हूँ, ना मैं ऐसे लोगों को पसंद। मेरा मानना है कि सभी राजनीतिक दल जब प्रदेश में आए, उन्होंने कुछ ऐसे काम करे। जोशी जी, एक आखिरी प्रश्न, क्या समाजवादी पार्टी यासिर शाह को लेकर कोई कड़ा कदम उठाएगी, यासिर शाह से कहेगी कि तब तक आप अलग, जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाएं, कम से कम इतना तो न्यूनतम बनता है, नहीं अमिताभ, क्योंकि अपराध बड़ा है, अपराध बड़ा है। मुझे जवाब देना है जी, मैंने आपको पहले तो जो विषय मैंने कहा था कि अब ये कानून के हाथ में, पहला ही कानून स्तर पे शासन प्रशासन के मामला हो गया, ठीक, अब लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया। दूसरा विषय, अब आप पार्टी स्तर पे कह रहा था, पार्टी पे मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के हमारी अनुशासन समिति है, वही फैसला लेगी, मैं डिसीजन नहीं लेता, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। डॉक्टर ऋचा सिंह जोशी जी कह रहे हैं कि भाई बाकी कानून जाने, कचहरी जाने, ठीक, यासिर शाह के मामले में, और पार्टी तो उनका भाई वो लीडरशिप जाने, और सेंट्रल उनकी जो सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी है वो जाने। यानी अभी तात्कालिक तौर पर मुझे नहीं लगता कि यासिर शाह को लेकर समाजवादी पार्टी में कोई गंभीर कदम उठाए जाने जैसा कुछ संकेत मिलता दिखे। नहीं, इसकी कोई उम्मीद भी नहीं आ रही अमिताभ सर, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधी हो या फिर कोई दोषी हो उसके पक्ष में खड़े होने का काम करती है। वो किसी तरीके का अनुशासन समिति, ये कभी कोई ऐसी कार्रवाई आज तक नहीं की जो कोई नजीर साबित हो। लेकिन अगर चाहे वो बलात्कार का आरोपी हो मोहित खान, उसके पक्ष में अगर ट्वीट करना हो तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तत्काल रूप से ट्वीट आ जाता है। नवाब सिंह यादव के पक्ष में पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाती है। महिला सभा की अध्यक्ष स्वयं ये पूछती है ये सवाल कि आखिर वो बच्ची रात में क्या करने गई। और अब जब यासिर शाह, जो कि सपा सुप्रीमो के बहुत खास व्यक्ति है, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता है, उनके द्वारा एक साजिश के तहत उत्तर प्रदेश के करोड़ों अभ्यर्थी, मैं करोड़ों अभ्यर्थी इसलिए कहती हूँ अमिताभ सर क्योंकि लाखों अभ्यर्थी तो परीक्षा दे रहे थे, लेकिन जो अन्य परीक्षाओं को भी देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जब इस तरीके की अफवाह फैलती है तो अभ्यर्थियों का मनोबल किस तरीके से टूटता है, जिसका जिक्र अभी आपने भी किया और पूर्व डीजीपी सर ने भी किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि समाजवादी पार्टी
इस तरीके की अफवाहों को फैलाकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहती हूँ। और मैं एक लाइन का और बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि नहीं सुन लीजिए जोशी सर, क्योंकि आप हमारे सीनियर भी हैं, तो इस बात को भी समझिए कि अभी आप पेपर लीक की बात कर रहे थे। मैं आपको वो दौर भी याद दिला दूं जब पूरी की पूरी लिस्ट जारी होती थी समाजवादी पार्टी के कार्यालय से कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा और कहां कहां से जारी होती थी, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है। 2013 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पहली बार पेपर लीक हुआ जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। अनिल यादव किस तरीके से प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपरों को ही नहीं पदों को भी बेचते थे, इसके ऊपर माननीय न्यायालय ने अपनी टिप्पणी की है। और उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से अनिल यादव के ऊपर तमाम तरीके के आरोप होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने कभी अनिल यादव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई की गई तो न्याय। ठीक है ऋचा, आप समय कम है जोशी जी, 30 सेकंड। इतनी लंबी फेरियस है, पूरी बहस या खत्म हो जाएगी। ये लोग कैसा आचरण करते हैं बीएचयू के लड़कों के साथ, उनको भेज देते हैं, ऋचा जी भेज देती है उनको, जाइए प्रचार करिए, रेप कराए, कोई बात नहीं। अरे सुनिए एक मिनट ऋचा जी, आपने अपनी बात कर दी, उनकी बात आ जाए, बात खत्म जी, समय की। ये भेज देते हैं उनको, चाहिए जाके मध्य प्रदेश में प्रचार करिए, रेप करा तो क्या हुआ। ब्रजभूषण सिंह के साथ क्या करते हैं, ब्रजभूषण सिंह पे लगाती रही पहलवान बेटियां। ऋचा जी आपका टाइम चला गया, ठीक ऋचा जी, धैर्य रखिए। आपके ब्रजभूषण सिंह के रेप करता वहां पर पहलवान बेटियों के साथ, उसको अभयदान दे देते हैं, टिकट की अदला बदली कर देते हैं, परिवार में ही टिकट रहेगा, उसको पुरस्कृत करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण है वो निश्चित तौर पर युवा विरोधी है, परीक्षा लीक कराते हैं, विपक्ष से लोगों से प्रश्न करते हैं। जी ठीक है जोशी जी, मुझे लगता है कि ठीक है ऋचा की बात, अगर देश मुझसे कोई पूछे, बाकी तो ये जैन साहब का डोमेन है कानून व्यवस्था और धारा और सब, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे, मेरे मन से कोई पूछे कि राष्ट्रद्रोह की धारा कहाँ सबसे पहले लगनी चाहिए, तो मैं कहूँगा जो भर्ती में गड़बड़ घोटाला करे, अफवाह फैलाए या प्रत्यक्ष उसमें कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश करे, उसके खिलाफ कोई छोटी मोटी धारा कुछ नहीं, नकल एक्ट जो लाया वो भी नहीं, सीधे राष्ट्रद्रोह लगाइए। राष्ट्र कौन है, क्या झंडा राष्ट्र है, नहीं मैप राष्ट्र है, नहीं जैन साहब, ये सौरभ जैसे ही लोग बच्चे मिलके राष्ट्र है ना, इन्हीं की आंखों में हमको भारत मां दिखती है, इन्हीं की आंखों में हमको भारत दिखता है, इनकी आंख से आंसू आता है तो हमको लगता है भारत मां रो रही है, इनकी मां रोती है तो मुझे लगता भारत मां आहत है, इनके पिता रोते हैं तो मुझे लगता राष्ट्रपुरुष रो रहा है, राष्ट्रपुरुष रो रहा है। हमारे लिए राष्ट्र ईंट पत्थर जमीन का नाम नहीं है, हमने दो अवधारणाएं रखी, भारत माता और एक राष्ट्रपुरुष, दोनों जागृत है, जीवंत है। आपने पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार कर लिया, उसमें चाहे जो धारा लगाओ, सरकारी खरीद में रिश्वत खाली, जो धारा जैन साहब बताएं सो लगाओ भैया, मैं उसमें जानकार नहीं, लेकिन इसमें राष्ट्रद्रोह ही लगना चाहिए। आप सब कुछ भस्मीभूत कर देते हो एक झटके में, सब कुछ, हजारों लाखों करोड़ों सपने एक क्षण में अग्नि स्नान कर लेते हैं। इसलिए आज जब ये परीक्षा हुई ना, जोशी जी कह रहे थे मैं भाजपा और सपा की उसमें अंताक्षरी में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये भी सच है जोशी जी कि उत्तर प्रदेश का वो पहला केस था जिसमें एक भर्ती आयोग के अध्यक्ष को हाई कोर्ट ने कहा इनको हटाइए, ये किसी लायक नहीं, इससे पहले कभी हाई कोर्ट नहीं सुना। कहां से ढूंढ के लाए थे, आप ही लाए थे ना, आपके कार्यकाल के दौरान 700 कोर्ट केस थे भर्तियों को लेकर, 700 कोर्ट केसेस, हमको ऐसा उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए। आज मैं बड़ा संतुष्ट हूं
सबकी मेहनत है। बच्चे पास होने के लिए मेहनत करते हैं कि हम इस परीक्षा को में उत्तीर्ण हो जाएं। उनका परिवार उनको उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए मेहनत करता है और शासन शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए प्राणपण से लगता है, तब ऐसी स्थिति बनती है। फरवरी की गलती से उत्तर प्रदेश ने सबक सीखा है, यह हमको दिख रहा है। जैन साहब इसकी तस्दीक कर रहे हैं। आप सोचिए, डीजीपी प्रशांत कुमार परीक्षा केंद्र पर, यह बड़ी चीज है। इससे मैसेज जाता है, फोर्स के भीतर भी मैसेज जाता है, फोर्स के बाहर भी मैसेज जाता है कि भाई आपकी ढीला ढाली नहीं चलेगी। एक वेल नीटेड ऑपरेशन जैसा काम हुआ इस परीक्षा को कराने में, जैसे ऑपरेशन होते हैं, हाईली सेंसिटिव ऑपरेशन जो होते हैं, वैसा मुझे लगा इस परीक्षा में इस बार प्रयास किया गया है। और सबने मिलकर प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने अपने निरीक्षण में चीजें रखी। यह भी शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री सीधे इस परीक्षा की व्यवस्थाओं को मॉनिटर कर रहे, बड़ी बात है, इसका श्रेय मिलना चाहिए फिर उनको। और मैं विपक्षी दलों से भी कहूंगा, आपके लड़ने के तमाम विषय आएंगे, लेकिन ये जो बच्चे इसमें बैठ रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के बैठ रहे हो, चाहे बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक के, 6.5 लाख तो बाहरी अन्य राज्यों के, सारे बच्चे हैं तो हमारे ही ना, भारत के बच्चे हैं ना। इसलिए ऐसी कामना मत करिए, आपकी भाजपा से लड़ाई हो सकती है लेकिन ऐसी कामना फिर भी मत करिए कि कोई पेपर आउट हो जाए तो मजा आ जाए। ये भाव ठीक नहीं है। नई पीढ़ी के सपने रौंद दिए जाए और हमको मजा आ जाए, ये चिंतन ठीक नहीं है। ये चिंतन भारत के विरुद्ध का चिंतन है। इसीलिए मैंने कहा राष्ट्रद्रोह होना चाहिए। और मैं आखिरी बात कहूंगा, यासिर शाह जैसे लोगों पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। ये छोटा अपराध नहीं है। हमसे एक बार प्रकाश सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, जो डिजाइन्स या जो षड्यंत्र हम विफल कर देते हैं उसमें कुर्बानियां भी होती हैं फोर्स की, हैं? उनकी चर्चा नहीं होती, लेकिन सोचिए अगर वो कामयाब, वो फलीभूत हो जाते षड्यंत्र तो कितना हाहाकार मचता। मैं वही बात उद्धृत कर रहा हूं आज। यासिर शाह की अफवाह अगर जमीन पर उतर आती पंख के साथ तो आज उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल गया होता, ऐसी स्थिति बनती जिसका मैं उल्लेख भी नहीं करना चाहता यहां। इसलिए अपराध बड़ा है, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे। इन बच्चों के साथ अपराध करना हिरणों के नेत्र फोड़ना और तितली के पंख नोचना है। इस पुलिस की भर्ती में 20% स्थान हमारे बेटियों के लिए आरक्षित हैं, तो तितली के पंख नोचने की साजिश हो या हिरण के द्रग फोड़ने की साजिश हो, यह अस्वीकार्य है, अमान्य है। धन्यवाद।